अहंकार जीवन का वह हलाहल है जो विवेक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। कुछ ऐसा ही मामला यशोधरा पुलिस थाना क्षेत्र के टीपू सुल्तान चौक से आगे आया है, जहां अहंकार के चलते चार आरोपियों ने फिरियादी से मारपीट की, साथ ही साथ महिलाओं से बदतमीजी कर संबंधों को शर्मसार किया है। आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया है और आगे की जाँच जारी है। यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले टीपू सुल्तान चौक योगी अरविंद नगर से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां टीपू सुल्तान चौक नगर निवासी 33 वर्षीय इमरान खान को 40 वर्षीय अयान उर्फ अज्जू सिद्दीकी, उम्र 31 वर्षीय अतहर सिद्दीकी, उम्र 26 वर्षीय अफजल सिद्दीकी, उम्र 37 वर्षीय अख्तर सिद्दीकी, उम्र 31 वर्षीय नासिर सिद्दीकी ने घातक शस्त्रों से मारपीट की और फिरियादी के घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी से व्यवहार किया। दरअसल मामले के तहत 12,000 की वह राशि है जो इन चोरों ने कर्जे के रूप में इमरान खान से ली। काफी समय हो जाने के बाद भी आरोपियों ने कर्जे की राशि बकाया नहीं की, जिसके चलते फिरियादी इमरान खान ने चोरों की दुकान में जाकर पैसे के विषय में पूछा और पैसे कर्मचारियों ने चुकता भी कर दिए, लेकिन दुकान में काम कर रहे कर्मचारी ने इस बात की सूचना आरोपियों को दी, जिसके चलते अहंकार की वजह से इन आरोपियों ने घटनास्थल पर जाकर फिरियादी से मारपीट की। काल यशोधरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मध्ये टिपू सुलतान चौका मध्ये एक व्यापारी इमरान खान आहे, त्यांचं तकियाचं दुकान आहे। त्याचे एक व्यक्तीने गांधी बागमधील व्यापाऱ्याने 12,500 रुपये द्यायचे होते, त्यामुळे इमरान खान हा तिथे गांधी बाग येथे जाऊन 2 दिवसापूर्वी त्यांना ती पैशाची मागणी केली, उधारीचे दिलेले पैसे। त्यांनी ते पैसे नव्हते दिले, त्याच्यामध्ये थोडा वाद झालेला होता आणि त्यांनी त्यांना धमकी दिली होती का तू जर पैसे दिले नाही तर तुझी मी ॲक्टिवा गाडी उचलून घेऊन जाणार। या वादाच्या कारणावरून जो व्यापारी आहे गांधी बागचा, त्याचे जे पुतणी आहे, पुतणी आणि त्याचे सहकारी यांनी इम्रान खान जो फिर्यादी आहे याच्या ज्या दुकानामध्ये आले, तू माझ्या मोठ्या वडिलांना असे का बोलला, माझी गाडी उचलून नेतो असे का बोलले, या कारणावरून वाद करून त्यांच्यासोबत एक लोखंडी पाईप, एक चाकू आणि लाकडी दणक्याने त्यांना मारून जखमी केले। त्याचे त्यांचे भाऊ इम्रानचे त्यांना मध्ये आले होते झगडा सोडवण्यासाठी, त्यांनासुद्धा मारहाण केलेली आहे। चारही जणांचा मेव हॉस्पिटल येथे उपचार केलेला आहे, सिंपल इंजुरी आलेली आहे त्यांच्यामध्ये, चारही जणांचा डिस्चार्ज झालेला आहे लगेच उपचार करून। सर्व आरोपितांविरुद्ध दंगलीचे आणि 324 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे, त्यापैकी 4 आरोपी आपल्याकडे ताब्यामध्ये आहे, अटकेची प्रक्रिया सुरू आहे। और उनके घर की महिलाओं से बदतमीजी भी की, जहां इमरान खान को गंभीर चोट आई है। मामले का संज्ञान लेते हुए यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भेदोड़कर ने। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज, नागपुर।